और खबर भोपाल से आपको बता दें, राजधानी से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रचना टावर में 15 लाख की लूट की गई है। दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 15 लाख की लूट हुई है राजधानी भोपाल में। रचना टावर की ये घटना सामने आई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। बदमाशों की भी तलाश की जा रही है। गोविंदपुरा थाने की रचना नगर की घटना आपको बता दें, जहाँ पर 15 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो कि सामने आई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल अब पुलिस की ओर से की जा रही है और इन दो बदमाशों की तलाश अब पुलिस कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे घटनाक्रम का जो है सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसी के आधार पर अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। तो राजधानी भोपाल में 15 लाख की लूट हुई है। रचना टावर में बताया जा रहा है ये लूट हुई, जहाँ दो बदमाश घर में घुसे और दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल अब पुलिस की ओर से की जा रही है। तो बेखौफ होकर ये जो बदमाश है घर में दाखिल हुए और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फरियादी ने बताया है कि सुबह लगभग 8-9 बजे की बात है, इसमें दो लोगों ने दरवाजा बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है, और इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को लूट के ले गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कब की ये पूरी घटना है, क्या कार्रवाई मामले में? जी बता दूं कि आज सवेरे करीब 8-9 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है, जब दो आरोपी आते हैं नकाबपोश और वह जाकर गेट खटखटाते हैं और जब जो गेट खुलता है उसका हाथ बांध देते हैं। और आप इन सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आए उसमें जो युवक है जो मकान मालिक है उसके पीछे से गन लगा के उसे ऊपर तक लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि केस कहाँ रखा हुआ है, और जब वह जहाँ केस बताता है वहां से करीब 15 लाख रुपए केस रखा रहता है जिसे वे लूट कर ले जाते बताया जा रहा है। जिसके यहाँ ये लूट की गई है, जिसके यहाँ ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, वो शराब व्यापारी है, उसके यहाँ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे पॉश इलाका जो ये रचना टावर का पूरा मामला है, जहाँ पर तमाम बड़े बड़े विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद लोग रहते हैं, उस जगह पर यह वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी घटना राजधानी भोपाल से सामने आई है। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब तक पुलिस इन आरोपियों को कटघरे के पीछे करती है, कब तक इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करती। बिल्कुल है दीपक, जिस वक्त लूट हुई क्या उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था? आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, उन बदमाशों को देखा गया हो, किसी ने देखा हो लूट करते हुए या फिर घर में एंटर होते हुए? जी मैं बता दूं कि जिस दौरान ये लूट हुई आसपास के लोग तो नहीं, जरूर घर में जो जिनके यहाँ लूट हुई उनके साथ एक उनका जो साथी था कह सकते हैं या घर में काम करने वाला सर्वेंट था, वह जरूर मौजूद था। उसी ने गेट खोला था और उसके बाद उसे बांधा है और उसके बाद फिर यह वारदात को अंजाम दिया गया है। अब यह देखना होगा कि इस पूरे लूट में किसकी मिली भगत है, क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये फ्लैट बनाए गए हुए आसपास के लोगों को अपने आमने सामने वाले लोगों से कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है और इस तरीके की वारदातें ऐसी फ्लैटों में जरूर देखने को मिलती है। पर यह बड़ी बात है कि उन्हें पता कैसे था, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है उन्हें यह बात कैसे पता थी कि घर में इतना कैश रखा हुआ है, करीब 15 से 20 लाख। ये बड़ी बात है, क्या वो पहले से रेकी कर रहे थे या जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है वो किसी से मिले हुए थे या पूरी मिली भगत से इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये पूरा जांच का विषय, इसके बाद ही और पूरे मामले में खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, पूछताछ की जाएगी जब बदमाश पुलिस की पकड़ में आएंगे, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए।